हेलो वेलकम, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं लर्निंग जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC के टिकट बुकिंग के बारे में। एक्चुअली मैंने पिछले बार जो वीडियो अपलोड किया था टिकट बुक करने कैसे बुक करते हैं, तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और मेरे पर्सनल मेल में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि जब मैं टिकट बुक करूँ उसके बाद से अगर मेरा टिकट खो जाए, मीन्स अगर मेरा जो मैंने PDF बना के अगर डेस्कटॉप पर सेव किया हूँ डिलीट हो जाए, या प्रिंट किया हूँ पेज खो जाए, या SMS डिलीट हो जाए, तो उसको फिर दोबारा हम कैसे पाएंगे, हम अपने मैसेज को कैसे दोबारा अपने मोबाइल पे मतलब पाएंगे, उसके बाद से अगर मेरा खो गया है टिकट तो फिर हम कैसे उसको दोबारा प्रिंट करेंगे। तो आज हम बताएंगे आपको कि अगर आपका टिकट खो गया या फिर अगर SMS आपका मोबाइल से डिलीट हो गया, आप चाहते हैं कि दोबारा SMS मेरे को मिल जाए IRCTC की तरफ से, या फिर अगर हमारा जो टिकट खो गया है तो फिर हम दोबारा उसको डाउनलोड कर लें PDF फॉर्मेट में, या फिर हम प्रिंट कर लें, तो वो कैसे करेंगे, हम आज उसके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप उसे दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या फिर SMS पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसे हम दोबारा पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में जाना होगा और फिर IRCTC के वेबसाइट पर जाना होगा। तो आइए हम वेबसाइट पर आ जाते हैं IRCTC के, और यहाँ पर अपना यूजर ID एंड पासवर्ड देकर लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम अपना यूजर ID पासवर्ड जल्दी जल्दी फिलअप कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम अपने वेबसाइट पर आ चुके हैं, हम लॉगिन करके अपने अकाउंट में आ चुके हैं। तो अगर आपका SMS डिलीट हो चुका है और अगर आपका जो प्रिंट आप सेव किए थे PDF में, या प्रिंट किए थे जो पेज, अगर आपका वो भी खो चुका है, या मतलब कुछ लॉस हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, कैसे आप उसको दोबारा लेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने UID पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद से आप यहाँ पर बुक टिकट हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, या तो फिर बुक टिकट हिस्ट्री अगर बहुत ओल्ड है तो उस पर क्लिक करेंगे, या फिर प्रिंट टिकट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आपका ये ऑप्शन आपका होम पेज पे नहीं आ रहा है तो आप करेंगे क्या कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माई ट्रांजेक्शन है, आप इसमें आएंगे माई ट्रांजेक्शन पे, और आने के बाद से लास्ट ट्रांजेक्शन डिटेल आप देख सकते हैं, या बुक टिकट हिस्ट्री पा सकते हैं, उसके बाद से आप यहाँ से अपना हासिल कर सकते हैं आपका जो टिकट है। ठीक है, तो चलिए हमारा जो होम पेज पे आ रहा है यहाँ पर प्रिंट टिकट, हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप करेंगे क्या कि अपना PNR नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, बट मैंने इससे अभी टिकट बुक किया हूँ तो इसलिए मेरा सबसे पहले यहीं पर आप देख सकते हैं कि आ रहे हैं। तो अगर आपको देखना है इसके बारे में पूरी डिटेल, तो आप इस पर क्लिक करते हैं, ट्रांजेक्शन ID पर क्लिक करके आप यहाँ से अपनी जो टिकट आप बुक किए हैं उसकी यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं कि मेरा वही टिकट है कि नहीं है, क्या है डिटेल, आप सारी डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। कि जैसे आप यहाँ पर सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे क्लोज करते हैं और आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है गेट PNR स्टेटस क्या है, प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पर आप SMS भी पा सकते हैं। जैसे आपको अगर इस टिकट को प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको SMS चाहिए, जो आपके पास SMS गया था उस SMS डिलीट हो चुका है वो चाहिए, तो फिर आप गेट SMS पर क्लिक करेंगे तो आपको SMS मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं और फिर हम गेट ई टिकट पर पहले क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो हमारा टिकट था वो आ चुका है। तो आप यहाँ पर प्रिंट ERS इंग्लिश पर या हिंदी जो भी चाहिए आपको क्लिक करेंगे, और क्लिक करके फिर आपका सेम वही ऑप्शन आ गया, प्रिंट पर लेके जाएंगे, और जाने के बाद से आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं PDF में, या फिर आप यहाँ चेंज पर अपना प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा इससे पहले जो वीडियो है वो नहीं देखें कैसे टिकट हमने बुक किया, कैसे हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया, तो वो सारी वीडियो जो एक प्लेलिस्ट में है वो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप उस पर क्लिक करके सारी पहले वीडियो देख लें, तब तो जाकर आप अपना दोबारा टिकट को हासिल करना सीखेंगे कि अगर खो गया तो, या फिर SMS हासिल करेंगे अगर आपका SMS डिलीट हो गया है तो। तो अगर आपका SMS भी डिलीट हो गया है तो चलिए हम उसको भी बता देते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप गेट SMS पर क्लिक करेंगे, और जैसे गेट SMS पर क्लिक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो SMS है वो भेज दिया गया है, और यहाँ पर लिख रहा है कि थोड़ी ही देर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो इस नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो आपने अभी इस वीडियो में ये सीख लिया कि अगर आपका टिकट जो है आपने प्रिंट किया था पेज पे
या फिर अगर आपने पीडीएफ में सेव किया था या फिर आपको एसएमएस आए थे, अगर ये सब खो चुके हैं तो फिर आप उसे कैसे हासिल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, मैं आपको ज़रूर पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि पता चल गया होगा कि कैसे हम, अगर खो गया है मेरा एसएमएस या टिकट, तो कैसे हम दोबारा डाउनलोड करेंगे, कैसे एसएमएस दोबारा हम पा लेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर हेल्पफुल लगे तो दूसरों के साथ भी आप बताएं, दूसरों को भी शेयर करें। और अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पे, एक प्लेलिस्ट है IRCTC के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।